ऋतिक से एक बार फिर भिड़ने को तैयार हैं कंगना। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आरती तोमर स्वागत करती हूं वीके न्यूज में। कंगना और ऋतिक का विवाद एक बार फिर से अपने उफान पर है। ऋतिक को लेकर एक बार फिर से कंगना का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पर्सनल लाइफ के बाद अब दोनों प्रोफेशनल लाइफ में भी लड़ने लगे हैं। दरअसल ऋतिक की फिल्म सुपर 30 और कंगना की फिल्म मेंटल है क्या एक साथ ही रिलीज होनी थी, मगर कंगना के चलते ऋतिक ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी। ऋतिक ने बताया कि उनकी फिल्म बन चुकी है, पर मेरी फिल्म को किसी भी तरह का अपमान और खुद को मेंटल हैरेसमेंट से बचाने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। फिल्म के मेकर से यही गुजारिश है कि फिल्म की नई रिलीज डेट फाइनल कर अनाउंस करें। इस ट्वीट को पढ़ते ही कंगना ने ऋतिक को एक बार फिर से विवादों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कंगना ने लिखा कि क्यों अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। कंगना ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि ऋतिक पिछले हफ्ते ही फिल्म के दोनों मेकर से मिल चुके हैं और सुपर 30 की रिलीज डेट को शिफ्ट करने की बात पहले ही हो चुकी है। इसके बाद ही एकता कपूर की डायरेक्शन में बनी फिल्म मेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज होगी। हालांकि इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ना तो ऋतिक रोशन का कोई रिप्लाई आया है ना ही फिल्म के मेकर्स का। इससे पहले भी कंगना ऋतिक को लेकर सुर्खियों में थी। प्यार में धोखा खाई कंगना का ऋतिक पर गुस्सा इस कदर था कि दोनों के बीच लीगल नोटिस भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इससे पहले भी कंगना ने नेपोटिज्म को लेकर ऋतिक पर निशाना साधा था। ऋतिक को पापा के पैसे पर चलते पागल भी बता दिया था। अब एक बार फिर से ऋतिक और कंगना की लड़ाई अपने उफान पर है। इन दोनों के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।